हॉट पीपलिया के ग्राम आमला ताज में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को फाड़ने को लेकर भीम आर्मी सेना के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के प्राचार्य को आवेदन दिया। आवेदन में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस तरह की हरकत करने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। दरअसल छात्रों के द्वारा इस तरह के भीमराव अम्बेडकर के चित्र को फाड़ने को लेकर एक छात्रा पूजा बागड़िया ने विरोध भी किया था, मगर शिक्षकों ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि सिर्फ चित्र ही तो फाड़ा है, तुम यहां से चली जाओ और चुप रहो। वही मामले में छात्रों ने भी छात्रा को धमकी देकर उसे अपमानित किया। इसको लेकर छात्रा ने स्कूल के शिक्षकों से शिकायत की तो चुप रहने की हिदायत तक दे डाली। आज के दिन जो है स्कूल में फाड़ा गया और ये घटना स्कूल परिसर में हुई है और जो है वहाँ के लोकल जो टीचर है उनको इस घटना का पूरा मामला मालूम है और बच्ची जो है पूजा बागड़िया द्वारा इस मामले को बताया गया, लेकिन वहाँ के जो टीचर थे सूरजमल पाटीदार और सोनाक्षी शर्मा उनके द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, कोई आपत्ति नहीं ली गई। इस पूरे मामले की जांच बच्ची ने जो है भीम आर्मी और बागड़े परिवार के सभी सदस्यों को बताई और तो बड़ी भीड़ करके जो है बागड़े परिवार और भीम आर्मी ने एक ज्ञापन जो है प्राचार्य के नाम दिया है, एक ज्ञापन जो है अपने संकुल पे दिया है और जो है थाने पे TI साहब को भी एक आवेदन दिया है। इस मामले में जो है देखते हैं अब पुलिस प्रशासन और जो है संकुल और हमारे स्टाफ स्कूल स्टाफ इसके बारे में क्या करते हैं। हर्षवर्धन प्रजापति सर, इस स्कूल में पदस्थ किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ प्राचार्य पद पे पदस्थ हूँ। अच्छा सर, जो बालिका ने आरोप लगाया है कि बाबा अंबेडकर साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, उस विषय में मैंने टीचर्स को अवगत कराया था और सर को भी अवगत कराया था, तो उस विषय में क्या क्या कहना है, क्या कार्रवाई करी आपने कि किस तरीके से? शनिवार दिन मैं भी यहीं था जी, है ना, लेकिन उस समय से कोई जो है बच्चों ने शिकायत नहीं करी मुझे भी कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई जो है। और जब शाम को 6-7 बजे आदमी मालूम पड़ी कि सर बच्चों ने ऐसा हरकत करी है, तो हमने बोला ठीक है मैं आकर उनसे बात करता हूँ। हमारे सर को बताया था तो क्या है कि सर ने बोला सर बेटा मैं देखता हूँ, एक्चुअली क्या कि बालिका फ़ोटो बना के लाई थी, वो चित्र किसी ने देखा नहीं क्या था क्या नहीं, वो लगा दिया है ना। उन्होंने बोला सर बाबा साहब का फोटो का फॉर्म भी हमने ठीक मतलब बच्चों को मिला के जो है बात करेंगे हम, उसके बाद कल जो है उसका निराकरण करा। बच्चों ने बोला सर कभी गलती से बढ़िया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या स्कूल परिसर यहाँ जो है मतलब इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो जो है पढ़ाई में बहुत जगह उत्पन्न होता है। इसके विषय में आपने क्या कार्रवाई कुछ करी बच्चों के खिलाफ? या कार्रवाई करी, पालकों को बुलाया, उनसे लिखित में लिया कि अन्यथा ऐसी जो है कोई घटनाएं ना हो, अगर ऐसी घटनाएं होती तो भविष्य में जो है देखते हुए बच्चों को नाम यहाँ से खारिज कर दिया। जैसा कि आपके शिक्षक जो सूरजमल जी पाटीदार साहब हैं उन पर आरोप लगाया कि भाई उन्होंने जब उससे शिकायत करने के लिए बच्चे गए तो उन्होंने कहा तो फाड़ दी, तो क्या हो गया इस टाइप से विशेष में कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे किस भाषा समझते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या सुन लेते हैं, वो इसलिए जो है इसी शब्दों के विरोधाभास के कारण जो है उनको ऐसा लगा सर ने हमको ऐसा मना कर दिया, जबकि यहाँ सारे टीचर बच्चों के प्रति जो है ध्यान रखते हैं कि बच्चों ने क्या करा है क्या नहीं। छोटी छोटी बातें क्या है कि भाई अगर बच्चों को कुछ बोला आप तुम चलो मैं देखता हूँ वहाँ पर, है ना, तो उनको लगता है कि नहीं यार सर ने मना कर दिया। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। हर्षवर्धन प्रजापति, उपपद बता दीजिए आपका इसको। प्राचार अमलाकाज। ओके सर, आपका पूजा बागड़िया, क्या था पूरा मामला जो बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो तस्वीर को फाड़ा गया है उस मामले में जो चर्चा चल रही है, उस मामले में क्या है पूरा मामला बताइए आप? मामला है कि पहले जो फ्रेंड वाले थे वो आप फर्स्ट ईयर में आगे उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर वगैरह बनाई थी और चिपकाई थी, तो वो भी फाड़ गए उन लोगों ने और मैंने बनाई थी वो भी, और मैं बोलने की काय के लिए फाड़ा है क्यों फाड़ा, तो बोला कि आपका क्या बिगड़ता है और क्या लगता है दे रहा है, तो हमको एक बार नहीं ऐसे 3 बार और फाड़ चुके क्या बिगाड़ लिया तूने मेरा। कौन थे वो छात्र, नाम बता सकती हो उनका? क्या इसके बाद फिर आपने प्रिंसिपल से या टीचर से शिकायत की थी इस विषय में? सर से की थी। कौन से सर से की थी? सूरजमल पाटीदार से। फिर क्या हुआ उस शिकायत के बाद में, क्या कुछ कहा उन्होंने क्या उस विषय पर? अच्छा, और उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? प्रिंसिपल को इस बात में अवगत कराया फिर बाद में? सर ने कुछ करवाया? नहीं करवाया। पूजा बागड़िया ने हमें बताया जब वो घर पे ही। पूजा बागड़िया कौन है? पूजा बागड़िया है जिसके सामने प्रतिमा फाड़ी गई है, कक्षा 12वीं की छात्रा है वो। स्कूल टीचर सूरजमल पाटीदार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हमको बताया गया
बुलाया गया, फाड़ दिया है तो फाड़ देने दो, क्या होता है ऐसे पागल लड़के हैं, अगर वो पागल हैं तो उनको पागल खाने क्यों नहीं भेजा जाए। हमारे भीम आदमी अगर ये कुछ स्कूल के लोग डी करते हैं तो हमारी भीम आदमी आगे एक्शन लेगी। मेरा सूरजमन पाटीदार। सर स्कूल में किस पद पर पदस्थ हैं आप? मैं अध्यापक पद पर हूँ सर। जी सर जी। क्या था पूरा मामला जो पूजा बागड़े के द्वारा जो बताया गया था कि तस्वीर फाड़ी गई है उस मामले में जो वो क्या है कि यहाँ जैसे स्कूल लगा था और क्लास के अंदर कक्षा लग रही थी, चल रही थी, किरण भी चल रहे थे, लेकिन एक पूजा बागड़िया जो है बालिका, वो एक अपने मन से बिना अनुमति से सरदार हमारे वो उनका है ना बाबा साहब अम्बेडकर साहब का फोटो बना के लगी थी, कोई प्रतियोगिता भी नहीं थी उसकी, उसके इच्छा से बना के लगी थी, वो कहीं कक्षा में टांग दिया था तो कुछ बच्चों ने उसको कहीं फट गया होगा या फिर उन्होंने फाड़ दिया, तो पूजा बालिका ने हमारे अंदर जो मैडम है उनसे कुछ शिकायत करी, तो शिकायत करने के बाद में मैडम ने कुछ समझा दिया होगा, इसके बाद में वो एक बजे के बाद में मेरे पास में आई तो मेरे से भी शिकायत करी कि सर मैं एक फोटो लाई थी और वो कुछ लड़कों ने, दो लड़कों ने फाड़ दिया है, तो मैंने बालिका को कहा, मैंने कहा बेटा वो फोटो बना के नहीं लाना चाहिए और अपने को अगर फाड़ दिया तो मैं उन बच्चों को मैं समझा दूँगा, समझाइश दूँगा, इतना कहकर मैं अपने पीरियड में चला गया। और इसके बाद में शाम को थोड़ा सा मेरे से दिमाग से उतर गया, तो प्रार्थना जब शाम को होती है बच्चों की उसमें मेरे को कुछ बालिका ने भी नहीं बोला और मेरे दिमाग से उतर गई, और इसके बाद में जैसे गांव में गई हूँ तो गांव वालों को बोला, और दूसरे दिन संडे आ गया था तो इस दिन उस कारण से यहाँ पर मिलन नहीं हुआ और गाँव के लोग भी मेरे पास में नहीं आए, और वो संडे के दिन है ना आवेदन देकर के आ गए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन उन लोगों ने चालू कर दिया, और यहाँ लोग आए वो जुलूस बना करके आए और गांव के लोग सभी आए और जुलूस बना करके और बोला कि ये यहाँ पर हमारे बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान हुआ है, ये हुआ है, तो हमने कहा भैया ऐसा अपमान नहीं हुआ है, हमारे ऑफिस के अंदर जो भी हमारे बाबा साहब के जो फोटो है और अन्य हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो फोटो है हम सम्मान करते हैं, लेकिन बालिका ने जो हमारे बिना अनुमति से और बिना हमारे मार्गदर्शन में जो फोटो फाड़ दिया लगाया था उसको अपने बच्चों के ऊपर क्या कार्रवाई करी जी? बच्चों को बिना अनुमति से उसने लगाया तो उसको भी परमिशन? जी हाँ, उसको हमको संज्ञान भी नहीं आया कि वो कब टांग दिया था कब फाड़ दिया। अच्छा हाँ जी, वो तो और मेरा पीरियड भी नहीं है उसमें। जी ठीक है सर, नाम बता दीजिए। मेरा सूरजमल पाटीदार। मैं जोगेंद्र बागड़िया भीम आर्मी अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम अमला ताज में हाई स्कूल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फाड़ी गई है स्वर्ण लोगों के बच्चों के द्वारा। उसमें हमारे भीम आर्मी अध्यक्ष ने ये मांग रखी है हमारे सभी साथियों ने कि उनको स्कूल से रेस्टिगेट किया जाए, और वहाँ के शिक्षक सूरजमल पाटीदार जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, सोनाली शर्मा है वो पंडित समाज से आती है, वो जातिगत भेदभाव बढ़ाती है, उसके मामले में हम ये ज्ञापन हमने स्कूल में भी दिया है, पुलिस थाने में भी दिया है, संकुल पे भी दिया है, और हमारी मांग यही है कि उन बच्चों को स्कूल से बाहर किया जाए और सूरजमल पाटीदार को भी यहाँ से रेस्टिगेट किया जाए, ये हमारी मांग। इसके पहले भी हमारे सचिन मालवी उनको जातिगत गाली गलौज की गई, सर ने बोला था कि तुम चमार वाला है कि बहुत पावर आ गए, तुम बहुत बढ़ गए हो, इसी मामले में सूरजमल पाटीदार ने उनसे बोला था, और उस मामले में कोई एक्शन नहीं हुई, उस मामले में हमने सूचना दी थी मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम यह चाहते हैं सभी बीमार में सदस्य कि हमें न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं चाहिए तो फिर प्रशासन हम आगे और कदम उठाएंगे। न्यूज़ इंडिया A9 से क्राइम रिपोर्टर राज बोराना की रिपोर्ट।